चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। पुनर्गठन होता क्या है और पुनर्गठन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब गठन तो पहले हो ही चुका था, अब हम कर रहे हैं दोबारा से गठन। जो पहले गठन हुआ था वो अंग्रेजों के समय का गठन था और उन्होंने वो प्रशासनिक आधार पर करा था, और हमारे यहाँ की जनता या कुछ राजनेता जो सरकार में बैठे वो चाह रहे थे कि गठन भाषा के आधार पर हो। कुछ प्रशासन पर ही कह रहे थे, कुछ भाषा के आधार पर ही कह रहे थे। अब भाषा के आधार पर ही गठन की क्यों बात आना चल रही थी कि प्रशासन को आम लोगों की भाषा में पहुंचाना है, प्रशासन आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए। जनतंत्र ये कहता है जनतंत्र को अगर अच्छा बनाना है, जनतंत्र अच्छे से काम समझ सके चीज़ों को, तो कहा गया है उसमें कि प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए ताकि प्रशासन लोगों के नज़दीक पहुँच सके। प्रशासन कहाँ पहुँच सके? लोगों के नज़दीक पहुँच सके, जिससे कि क्या होगा, विकास अच्छा होगा। अब किस तरीके से ये पुनर्गठन हुआ, प्रशासन के आधार पर हुआ कि भाषा के आधार पर हुआ? लास्ट तक तो भाषा के आधार पर ही हुआ था, शुरुआत में कुछ प्रशासन के आधार पर ही हुआ था। कुछ आयोग बने, उन्होंने प्रशासनिक आधार बताया। कौन कौन से आयोग बने जिन्होंने प्रशासनिक आधार पर बताया? तो कहाँ से भाषा की बात आई, जहाँ से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उन्हें हम देखते हैं। तो दूसरी बात कि ये जो शब्द जो हम राज्यों का पुनर्गठन करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या राज्यों का पुनर्गठन, बात तो एक ही है। तो पुनर्गठन की बात कहाँ आई गई है? ऐसे तो काम हो ही नहीं जाएगा कोई एक व्यक्ति काम कर ले। सरकार भी जब काम करती है तो संविधान के तहत करती है, तो संविधान में ये बात कहाँ गई है? तो संविधान में हमारे में हमारा जो संविधान है इसके भाग एक में राज्यों से संबंधित बात कही गई है, देश के बारे में बात कही है। इसमें चार अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद? चार। तो अनुच्छेद फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया है कि भारत, देखिए हम वहीं पे पढ़ने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ही पढ़ेंगे, लेकिन बात यह आती है कि पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या जो आयोग बना, पुनर्गठन आयोग, वो कौन से आर्टिकल के तहत बना? वो आर्टिकल भी तो पता होना चाहिए, वो आर्टिकल कहाँ से आए, या फिर गठन किस आधार पर कर रहे हैं हम, ये बात हमें कहाँ कहाँ कही गई है, तो वही हम देख रहे हैं। देखिए इसमें भारत, अब भारत मतलब भारत नहीं, इंग्लिश में अलग कहते हैं इंडिया, तो भारत का इंडिया, इंडिया क्या है? भारत का इंडिया क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। जी अनुच्छेद एक में बात कही है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, या राज्यों को मिला के भारत बनाया गया है, या राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है कि समझौता कर किया गया है, राज्यों को भारत के अधीन ही रहना पड़ेगा, ये कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सके, ऐसा उनके साथ कोई भी हमने एग्रीमेंट नहीं किया है, ये कभी भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर पाए। तो ये अनुच्छेद एक में बात कही है, तो ये तो हो गया कौन सा, भारत क्या है, तुम्हारे राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद दो में क्या कर रहे हैं, हमसे देखते हैं इसमें अनुच्छेद दो आर्टिकल सेकंड में हमसे क्या कर रहे हैं। आर्टिकल सेकंड हमसे ये कहता है कि हम इसके तहत नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल दो के तहत नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, आर्टिकल दो के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, कौन करेगा? संसद करेगी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल दो के तहत। अब आर्टिकल थ्री या अनुच्छेद थर्ड, अनुच्छेद थ्री आर्टिकल थर्ड क्या कहता है? अनुच्छेद जो राज्य पहले से बने हुए हैं उनके क्षेत्र, उनकी सीमा, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब कि पुराने राज्यों की सीमा वाले राज्यों की सीमा व क्षेत्र बनाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना? आप देखिए क्या लिखा है, पुराने राज्य, अगर पुराने राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो मतलब पुराने राज्यों का क्या हो गया,
गठन तो पहले ही हो चुका उसका, और अब आप दोबारा से करना चाहते हो, इसी क्या कहेंगे आप पुनर्गठन? तो आपका जो पुनर्गठन आया वो बना, वो किस अनुच्छेद के तहत बना? अनुच्छेद 3 के तहत। हम लिख ले सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन इसमें दिया गया है, राज्यों का पुनर्गठन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप राज्यों का पुनर्गठन करना चाहते हैं या राज्य बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा राज्यों को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 4 में यही बात कही गई है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 हमसे क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 हमसे कहता है कि भारत अर्थात इंडिया काय का संघ है? राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 हमसे क्या कहता है कि नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश करा सकते हैं हम काय में? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत क्या कर सकते हैं हम? पुराने राज्य की क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किया जा सकता है, कर सकते हैं, जो भी है। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में 2 और 3 की व्यवस्था को रखा गया है कि 2 और 3 में जो भी आप करना चाहते हैं संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, पर इन्हें संशोधन नहीं कहेंगे हम। क्या नहीं कहेंगे? संशोधन नहीं कहेंगे। अनुच्छेद 2, 3 की व्यवस्था को संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कायम बात कह रही है अनुच्छेद 4। तो ये भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, तो 1 में हमसे काय की बात कही गई है? 1 हमसे ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, 2 नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश करा सकते हैं, 3 कहता है हमसे पुराने राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, 4 कहता है कि आप जो भी कर लो हम उन्हें संशोधन नहीं मानेंगे। संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ठीक है ना। बस ये है। पर अगर आप ये कोई भी जैसे अनुच्छेद 3 के तहत हम कोई नया राज्य बनाना चाहते हैं या पुराने राज्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या हम उन राज्यों को किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं क्या? संसद किसी राज्य को बना किसी दूसरे देश को बेच सकती है क्या? तो नहीं बेच सकती, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं गया। अगर ऐसा करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करके हमें जिस देश को क्षेत्र देना उस देश को दे सकते हैं। जैसे कि बेरुवारी मामला 1960 में हुआ था, जिसमें हमने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया था। ये मामला हुआ था बेरुवारी मामला हुआ था 1960 में, इसमें हमने जो बेरुवारी क्षेत्र जो पड़ता है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में, किसको दिया था हमने? पाकिस्तान को दिया था। उस समय पाकिस्तान था, आज क्या है यहाँ पर? बांग्लादेश है। क्या है यहाँ पे? बांग्लादेश है। तो इस वाले क्षेत्र को हमने किसको दे दिया था? 1960 में बंगाल को दिया था हमने, क्लियर है। तो ये हमारे भाग 1 की बातें कही गई हैं, इसी के द्वारा हम अनुच्छेद 3 के तहत पढ़ेंगे उसमें क्या राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों को पुनर्गठन केवल हमें काय का पढ़ना है? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। देखिए देखते हैं इसमें किस तरीके से इसमें पुनर्गठन हुआ था और पुनर्गठन करने के पहले क्या व्यवस्था थी, पुनर्गठन उस समय भारत में क्या व्यवस्था थी। तो देखिए चार भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? चार तो देखिए कौन कौन सी बात थी। पार्ट ए, बी, सी और डी, इनमें बांटा गया था।
आप जानते क्या, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में क्या थी, रियासतें थी, 562 रियासत थी। इन रियासतों को ही उस ब्रिटिश क्षेत्र को रियासतों को कायम रखा गया था, इन भागों में बांटा गया था। तो पार्ट ए में हमारे पास थी कितनी, 216 रियासत, 216 रियासत और ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र। और ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र, किसके अधीन क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन। पार्ट ए में था, पार्ट बी में कितनी रियासत थी, 275 रियासत प्लस राज विधानमंडल। राज विधानमंडल इसके अधीन थे 275 रियासत प्लस राज विधानमंडल। पार्ट सी में क्या शामिल था, 61 रियासत, 61 रियासत और ब्रिटिश भारत के प्रमुख आयुक्त, आयुक्तों का शासन, ये इसके अंदर में था। पार्ट बी में क्या था, में एक राज्य शामिल था, या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, एक राज्य इसमें शामिल। इन रियासतों से और इन्हें मिलाकर भारत में कुछ राज्य बनाए गए थे। तो देखिए कौन कौन से, कितने कितने से पार्ट ए से कितने रियासत बने, पार्ट दो से कितने बने, देखिए इससे बनाए गए थे पार्ट ए से 10 राज्य। कितने राज्य बनाए गए थे, 10 राज्य। पार्ट बी से 8 राज्य, 8 स्टेट इससे बनाए गए थे। पार्ट सी से 10 स्टेट इससे बनाई गई थी। और जी तो ये अपने आप में है, एक स्टेट इससे थी। और एक राज्य कौन सा था, अंडमान एंड निकोबार, ये बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 1 कितने हुए, 29 राज्य। 29 राज्य, 56 के पहले तक भारत में कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। समझ में आया कि नहीं आया इतना, देखिए कोई दिक्कत हो तो बोले अपन। तो पार्ट ए में कितनी रियासत हो गई, 216 रियासत पार्ट ए में, पार्ट बी में 275 रियासत, पार्ट सी में 61 रियासत, पार्ट डी में था, या पेपर का क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाता है कि 56 के पहले था भारत कितने भागों में डिवाइड था, राज्यों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 4 भागों में। रियासतों का ही पूछ लेता है, पार्ट ए में कितनी रियासत थी, 216 रियासत थी, पार्ट बी में 275, पार्ट सी में 61 रियासत, डी में केवल एक राज्य था। कि उनसे कितने राज्य बनाए, पार्ट ए से कितने राज्य बन के आए, 10 राज्य बन के आए। पार्ट बी से कितने स्टेट बने, 8, पार्ट सी से कितने स्टेट, 10, और डी से कितने, 1। किस पार्ट में सबसे ज़्यादा रियासत थी, तो पार्ट बी में सबसे ज़्यादा रियासत थी, 275। ब्रिटिश भारत के गवर्नरों का शासन कहाँ रखा गया था, पार्ट ए में। ब्रिटिश आयुक्तों का शासन कहाँ रखा गया था, सी में। विधानमंडलों को कहाँ रखा गया था, बी में। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अंडमान निकोबार। तो इन सबको मिलाकर पूरा भारत बना था। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा भारत छोड़ के केवल मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में अंडमान निकोबार को शामिल करेंगे नहीं, किसको शामिल करना है, ए बी सी, इन तीन में से ही हमें रियासतों को लेकर क्या बनाएंगे, हम रियासत कह लीजिए या ब्रिटिश भारत के क्षेत्र कह लीजिए, इन्हें मिलाकर क्या बनाएंगे, हम मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो इनमें से कौन कौन से लिए गए वो हम देखते हैं इसमें, देखिए।